बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आपने प्रयास किया कि हमारे पास यहाँ पहुँचे आपके एमपी साहबान। आप लोगों के ऊपर बीजेपी ने इतना अत्याचार करने का बाद भी आप लोगों ने इतना मूवमेंट चलाया, अभी भी चला रहा है। जी जी, हम चाहते हैं कि आपका साथ में हम पूरा कांध पे कांध मिला पे मिला के लड़ने चाहते हैं। संगरूर दे खनौरी बॉर्डर ते किसानां नूं मिलण लई तृणमूल कांग्रेस दे पंज राज्यसभा मैंबरां दा वफद पहुंचिया। किसान लीडरां दे नाल पछमी बंगाल दी मुख मंत्री ममता बैनर्जी नाल फोन ते गलबात भी करवाई गई। किसानां नाल इस वफद ने मीटिंग कीती अते किसानां ने अपना मंग पत्र इन्हां राज्यसभा सांसदां नूं सौंपिया। टीएमसी दे इन्हां सांसदां ने विश्वास दवाया कि किसानां दीआं मंगां उह संसद दे सदन विच रखणगे। दीदी इधर डालेवाल जी, किसानों की तरफ से हर एक बुजुर्ग और जूनियर सब लीडरशिप है, ये बॉर्डर में हम आ चुके हैं खनौरी, तो आप जरा बात कीजिए दीदी, दीदी से बात कीजिए। ये हमारी दीदी है ममता बंदोपाध्याय, दीदी से बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आपने प्रयास किया कि हमारे पास यहाँ पहुँचे आपके एमपी साहबान। हम ये सोच ही रहे थे कि आपके पास हम अपनी डिमांड चार्ट भेजने के लिए हमारा प्रोग्राम बना था, पिछले दिनों हमने प्रेस में भी ये बात बोली थी, और आपने अच्छा किया कि यहाँ पे आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं ये सभी आपके एमपी साहबान को दिखा रहा हूँ, जिस तरीके से जहाँ पे वो लड़के को गोली लगी, शुभकर्ण हमारा नौजवान शहीद हुआ, या जहाँ पे और साथ साथ जो ट्रैक्टर वगैरह गाड़ियाँ वगैरह तोड़ी गई थी, वो भी मैं मतलब आपके एमपी साहबानों को सभी में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम वहीं पे ही हैं, मौके पर हैं, सब देख रहे हैं, उसी जगह पे हैं, सभी आपके एमपी साहबान हमारे साथ हैं। बहुत बहुत फिर से मैं कहूँगा आपका धन्यवाद। आपने आप पहले बधाई देना चाहूँगी जी, आप लोगों के ऊपर बीजेपी ने इतना अत्याचार करने का बाद भी आप लोगों ने इतना मूवमेंट चलाया, अभी भी चला रहा है। आपको बहुत सारे दोस्त शहीद हुए हैं, उसको गाड़ी नष्ट कर दिया है, उसको प्रॉपर्टी नष्ट कर दिया है जी। एक तो अच्छा किया है, आप उसको घुसने ही नहीं दिया है। मैं आपको ये बात कहने के लिए भेजा है, हमारा टीम का पहले काम है, हमारा टीम का, हमारा भी 42 एमपी है जी। हम चाहते हैं कि आपका साथ में हम पूरा कांध पे कांध मिला पे मिला के लड़ने चाहती हूँ। आपका जो जरूरत, व्हाट एवर इज द एक्सपेक्टेशन, आपका जितना भी एक्सपेक्टेशन हमारा पास है, आप हमारा पास रखिए। मैं जितना भी कोशिश करेंगे, हमारा गवर्नमेंट तो नहीं आए, लेकिन एक गवर्नमेंट गड़बड़ है, नड़बड़ है। आपका किसान का मूवमेंट चलना चाहिए, इसको जारी रखिए, जरूरत पड़े वो तो हम लोग भी जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको सुनाई दिया ना? जी जी, हाँ जी, थैंक यू महोदय, थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, हाँ दीदी, थैंक यू। किसान हमारे अन्नदाता है, वो फसल बनाते, इसीलिए हमको खाना मिलता। तो ममता जी किसानों के लिए 2006 में 26 दिन का फास्टिंग मूवमेंट किया, आपको पता है। तो इसीलिए ममता जी किसानों के मूवमेंट पर, और इधर एक हादसा भी हो गए, एक बच्चों को मार दिया गया गोली से फरवरी में, 21 फरवरी। तो इसीलिए सॉलिडारिटी जताने के लिए और इसकी बात सुनने के लिए इनके पास हमको 5 सांसद को ममता जी ने भेजे हैं। देखिए जो चल रहा है, मोदी है तो मुमकिन है चल रहा है, ये इंडिपेंडेंट कंट्री में कभी नहीं चल सकता। बॉर्डर में ऐसे बैरियर लगाया, आम किसानों को देशद्रोही मानता है, आम किसानों को वो टेररिस्ट मानता है, जैसे जी चाहे उनका ऊपर, उनका जीवन के ऊपर वो अटैक कर रहा है, उनकी ट्रैक्टर जलाया है, उनकी गाड़ी को जलाया है, उनकी बच्चों को मौत मिल गया, किसी को हैंडीकैपनेस मिल गया। तो ये हम एकदम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए प्रोटेस्ट करने के लिए ममता जी की ओर से हम आए हैं। कोई मांग पत्र दिया यहाँ पे, उन्होंने विश्वास दिया हमें, हमारी ममता बैनर्जी से बात भी करवाई है, आप प्रेस वाले भी वहाँ पे थे, सभी उनके सभी के सामने वो बात हुई है, और उन्होंने विश्वास दिया है कि हमारे 42 के 42 एमपी साहबान आपके साथ हैं, और कभी भी आपकी इस लड़ाई को हमारी ज़रूरत है तो हम आपके साथ खड़ेंगे, और आगे आने वाले सत्र में
आपकी ये एमएसपी की मांग को और सभी मांगों को लेकर हम जोर से अपने आपका मांग पत्र की बात वहाँ पे रखेंगे।